हमारे धर्म के प्रति हमारी आस्था तब बढ़ जाती है जब अन्य धर्मों को पढ़ते हैं, अन्य धर्मों के धर्म ग्रंथों को पढ़ते हैं, अन्य धर्मों के शास्त्रों को पढ़ते हैं और वहाँ पर भी वही बात लिखी हुई मिलती है जो हमारे तीर्थंकरों ने कही है, जो हमारे परमात्मा ने कही है, जो हमारे गुरुओं ने कही है, जो हमारे साहित्यों में लिखी गई, जो हमारे आगम ग्रंथों में लिखा गया, जो हमारे शास्त्रों में लिखा गया, वही बात जब वहाँ पर मिलती है तो हमें लगता है कि परमात्मा की दृष्टि कितनी विशाल थी, कितनी अद्भुत ताकत थी उनके पास, कितनी जबरदस्त शक्ति थी उनके पास कि जो शक्ति की वजह से उन्होंने जो बातें करी वो कभी मिथ्या नहीं हो सकती, वो कभी गलत नहीं हो सकती। संसार के सभी धर्म कोई ना कोई अंश से, कोई ना कोई रूप से उसका स्वीकार कर ही लेते हैं। अरे धर्म तो ठीक, मैं तो यहां तक कहता हूं कि हमारे जिन शासन में एक भी बात ऐसी नहीं है जिसको साइंस भी सिद्ध न कर पाए, हमारे जिन शासन में लिखी हुई बातों को अन्य धर्म स्वीकार करे वो कोई बड़ी बात नहीं है। अन्य साधु संतों के दोहाओं में, छंदों में, गीतों में आपको जिन शासन के धर्म ग्रंथों की बात मिल जाए उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि परमात्मा महावीर ने जो वचन कहे हैं, परमात्मा महावीर ने जो वाणी कही है, परमात्मा महावीर ने जो हमारे लिए बताया है, परमात्मा महावीर ने जो एक सिद्धांत बताया है, वो सिद्धांत को साइंस भी नहीं काट सकता। साइंस कितना ही आगे बढ़ जाए आज भी उसको स्वीकार करना पड़ता है परमात्मा महावीर की एक एक बातों को, परमात्मा महावीर के एक एक सिद्धांतों को, चाहे उबाला हुआ पानी पीने की बात हो, चाहे रात्रि भोजन के त्याग की बात हो, चाहे भोजन में कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्शन की बात हो, चाहे वस्त्रों की बात हो, चाहे जीवन जीने की बात हो, चाहे साधु के जीवन की बात हो, एक एक चीजों को आप देखोगे साइंस भी ये सिद्ध करता है कि नहीं, परमात्मा महावीर ने जो कहा है वो सही, भले वो नाम ले न ले लेकिन उनको परमात्मा महावीर के सिद्धांतों का स्वीकार तो करना ही पड़ता है। अकाट्य वाणी है परमात्मा महावीर की, अकाट्य सिद्धांत है परमात्मा महावीर के, उनके सिद्धांतों को कोई काट नहीं सकता, इसीलिए परमात्मा महावीर अद्भुत थे बराबर समझना। और वह परमात्मा महावीर ने जो लिखा, कबीर दास जी ने क्या लिखा, उसकी बात हम कर रहे हैं। परमात्मा महावीर ने एक बड़ा अद्भुत सूत्र दिया, परमात्मा ने लिखा जो सीमित है वह सुखी है, बराबर समझना, थोड़ा गहराई वाला सूत्र है लेकिन बड़ा समझने योग्य है हमारे लिए। परमात्मा महावीर ने सूत्र दिया जो सीमित है, जो लिमिटेड है वह सुखी है यह संसार में। प्रभु को पूछा गया कि प्रभु संसार में सुख की अनेक परिभाषाएं हैं, अनेक व्याख्या है, आप सुखी किसको बताते हो? और तब परमात्मा ने कहा कि जो सीमित है वह सुखी, जो लिमिटेड है, जिनकी हर चीज में सीमा है, हर चीज में मर्यादा है, वह सुखी है। बड़ी सोचने वाली बात है। और वही बात को कबीर दास जी ने दोहराया, बहुत पसारा मत करो कर थोड़े की आस, बड़ी अद्भुत पंक्ति लिखी है, बहुत पसारा मत कर कर थोड़े की आस, बहुत पसारा जिन किया तेई गए निराश। कबीरदास जी कहते हैं कि बहुत पसारा मत कर, बहुत फैलावा मत कर, कैसी विपरीतता है आप समझना, हम जीवन को फैलाने में लगे हुए हैं और परमात्मा महावीर और कबीरदास जी ये कहते हैं कि जीवन को बड़ा लिमिटेड रखो, जितना फैलावा करोगे, जितना पसारा करोगे इतना आपको दुख मिलेगा, ये परमात्मा महावीर और कबीरदास जी कहते हैं और हम लगे हुए हैं जीवन को फैलाने, बहुत पसारा मत कर, जितना फैलाएगा उतनी परेशानी तुझे ज्यादा है। और इसीलिए परमात्मा महावीर ने सूत्र दिया कि जो सीमित है वह सुखी है, जो लिमिटेड में है, जो मर्यादित है वह सुखी है। और इसीलिए हमारे यहां लिखा गया कि अति सर्वत्र वर्जय, आचार्य चाणक्य ने भी यही बात लिखी, अति हो जाएगा तो परेशानी बढ़ जाएगी। अति रूपेण वही सीता, अति गर्वेण रावण, अति दानात बलिर्बद्धो, अति सर्वत्र वर्जय। सीता को परेशानी क्यों झेलनी पड़ी, क्योंकि अति रूपवान थी, जरूरत से ज्यादा स्वरूपवान थी। रावण का पतन क्यों हुआ, उसका सर्वनाश क्यों हुआ, सोने की लंका थी फिर भी वो खत्म क्यों हो गया, क्योंकि गर्व का अतिरेक हो गया। थोड़ा कुछ भी चल सकता है, अति कुछ भी नहीं चल सकता, बराबर समझना।
अति मोह भी आपको मार देगा, अति क्रोध भी आपको खत्म कर देगा, अति राग भी आपको डुबाएगा और अति द्वेष भी आपके जीवन को नीचे ले जाएगा। बराबर समझ, जीवन का अधोगमन ये अति करवाता है। और इसीलिए बड़ी अद्भुत बात लिखी कि बहुत पसारा मत कर, कर थोड़े की आस, बहुत पसारा जिन किया तेई गए निराश। ताकि जिन जिन ने बहुत पसारा कर लिया, आपके मन में यह है कि संपत्ति ज्यादा हो तो जीवन सुखी चले, संबंध ज्यादा फैले हुए हो तो जीवन सुखी चले, घर परिवार बड़ा हो तो जीवन सुखी चले, मेरे पास सामग्री ज्यादा हो तो जीवन सुखी चले, मेरे पास सुविधा के साधन ज्यादा हो तो जीवन सुखी चले, जितना ज्यादा की आस करोगे उतना निराश होना पड़ेगा। बराबर समझ, पर मैं आपको आपका ही उदाहरण देता हूं, आप ही अपने जीवन में कंपेयर कर लेना कि जब आपके पास थोड़ा था तब आप ज्यादा मन से सुख की अनुभूति कर सकते थे, या जब ज्यादा है तब ज्यादा सुख की अनुभूति कर सकते। अपने आप से सोचना, अपने आप को पूछना, और ज्यादा नहीं तो अपने थोड़े पीछे अपने माता पिता के जीवन को देख लेना, उनके पास आपसे बहुत थोड़ा था, बहुत ज्यादा नहीं था, सामग्री उनके पास बहुत थोड़ी थी, सुख उनके पास बहुत ज्यादा था। आपके पास सामग्री बहुत ज्यादा है लेकिन सुख बहुत कम है। बहुत पसारा मत कर, मत कर, बहुत पसारा करने जैसा नहीं है, कर थोड़े की आस, थोड़ा हो तो ठीक है। जिनके पास थोड़ा है उनका जीवन अच्छे से चल जाता है, जिनका पसारा बहुत बड़ा है उनका जीवन बड़ी विपरीतताओं में चलता है। बहुत पसारा जिन किया तेई गए निराश। आप देख लेना, इतिहास गवाह है, आप ये देख लीजिए, हजारों साल के इतिहास को देख लीजिए, जिस जिसने बहुत पसारा करने की कोशिश करी सभी के सभी निराश ही चले गए। सिकंदर से लगा के अकबर को देख लो, सिकंदर से शुरू करके अकबर तक आप जिसको देखना चाहो उसको देख लो, जिसने पसारा बहुत करने की कोशिश करी वो निराश होकर के ही गए। विश्व का सम्राट वो सिकंदर था लेकिन फिर भी गया तो कैसे, निराश होकर गया, निराशा व्याप्त थी उसके जीवन में, मृत्यु के समय भी वो व्यक्ति निराश था इतना कुछ होने के बावजूद। और इसीलिए परमात्मा महावीर ने सूत्र दिया, जो सीमित है वो सुखी है। सुखी कौन है संसार में, जो लिमिट में है, जो मर्यादित है, जिसके पास जो है थोड़ा है उसका जीवन अच्छे से चलता है, ज्यादा है उसके जीवन में परेशानियां आ ही जाती है। सभी चीजों की मर्यादा बनाकर रखे। एक सेठ बड़े संपत्तिवान थे और जब संपत्ति की पराकाष्ठा जीवन में आती है तो माइनस पॉइंट भी जीवन में प्रवेश कर ही जाती है। यदि कोई सदगुरु का संग ना हो, यदि कोई धर्म का कनेक्शन ना हो, यदि परमात्मा के साथ कोई जुड़ाव ना हो, परिवार के संस्कार ना हो, तो संपत्ति अकेली नहीं आती, बहुत सारी गलत चीजों को जीवन में प्रवेश करवाती है। संपत्ति बहुत आई, संपत्ति आई साथ में अभिमान भी आया कि मैं ही जबरदस्त हूं जीवन में, मेरे पास ही कुछ है, मैं कुछ बनकर बना हूं जीवन में, मैं कुछ बनकर बैठा हूं और मेरे जितना जीवन में बड़ा कोई इंसान नहीं है। किसी को गिने नहीं, किसी की सुने नहीं, किसी की माने नहीं, किसी के सामने देखे नहीं, सबको अपने से छोटा ही समझे, सबको अपने से बोना ही समझे, अपने को महान समझे, अपने को विशाल समझे। और ऐसे से उसके जीवन में एक कहीं ना कहीं एक मित्र था, उसको लगा के इसके जीवन का परिवर्तन करवाना चाहिए वरना ये दुर्गति में चला जाएगा। जीवन भर यही गर्व की भावना रखी, जीवन भर यही अभिमान में रहा, जीवन भर यही सोचते रहा कि मेरे से बड़ा कोई नहीं, मैं चाहूं वो कर सकता हूं। यदि अभी समय सही चल रहा है, ये काम इसके पूरे हो भी जाते होंगे, लेकिन जीवन भर यही सोचता रहा तो कुछ ना होगा। एक संत के पास वो सेठ को ले गए और संत के पास जाकर के सेठ जैसे ही बैठे, संत को पता चला, मित्र ने बता करके रखा था कि इनकी हालात ये है, और संत ने सेठ को तीन सवाल किए। बराबर समझना, वो तीन सवाल हम अपने आप से कर सकते हैं। क्यों पसारा कितना कर ले, फैला कितना दे, कितना ही बड़े बन जाए, कितने ही बड़े बनने की कोशिश कर ले, लेकिन शास्त्रकार भगवान तो कहते हैं ये तीन सवाल अपने आप से पूछते रहना। पहला सवाल संत ने सेठ से पूछा कि सुना है आप बड़े धनी हो, आप बड़े धनवान हो, आपके पास धन बहुत है,
आप जो चाहो वो कर सकते हो, आपके पास संपत्ति विपुल मात्रा में है। मैं आपसे 3 सवाल करना चाहता हूं, आप मुझे उसका यथा योग्य प्रत्युत्तर दीजिएगा। संत ने पहला सवाल किया कि आप कितने ही संपत्तिवान हो, लेकिन सूर्य और चंद्र आपके लिए अलग से उगते हैं या सबके लिए उगते हैं वैसे ही उगते हैं? सेठ ने कहा, बाबूजी आप कैसी बात कर रहे हैं, सूर्य चंद्र तो सामान्य इंसान के लिए उगेंगे वैसे उगेंगे। संत ने कहा, वैसे ही उगते हैं? हाँ महाराज जी वैसे ही उगते हैं, जैसे मेरे बाजू में कोई पड़ोस में रहता उसके लिए उगते हैं वैसे मेरे लिए उगते हैं, उसमें कोई विशेष बात नहीं। संत ने कहा कि दूसरा सवाल मेरा आपसे है, क्यों अन्न जल जो आपको प्राप्त होते हैं वो कोई विशेष रूप से प्राप्त होते हैं या सामान्य इंसान को प्राप्त होते हैं वैसे ही होते हैं? सेठ ने कहा, वैसे ही होते हैं, जहां से कोई सामान्य इंसान खरीदारी करके लाता है वहीं से हमारे लोग जाते हैं, वहीं से खरीदारी करके लाते हैं और वही अन्न जल का हम उपभोग करते हैं, वही अन्न जल का हम उपयोग करते हैं। और संत ने पूछा कि कोई विशेष नहीं? कहा कि उसमें कौन सा विशेष, अन्न जल जो सामान्य लोग खाते वही हम खाते हैं। संत ने तीसरा सवाल किया कि मृत्यु के बाद आपकी जो अंतिम क्रिया होगी वो कोई विशेष होगी या सामान्य इंसान जैसी होगी? आप लोगों की कोई विशेष होने वाली है? सेठ ने कहा कि महाराज जी आप कैसी बेतुकी बातें कर रहे हो, मरने के बाद वो एक जैसे ही हो जाएंगे, उसके बाद क्या होना है, विशेष कुछ नहीं होना है। जैसे सबकी अग्नि संस्कार होते हैं वैसे हमारे होंगे, जैसे सबकी अंतिम क्रिया होती है वैसी हमारी होगी। और तब जाके वो संत ने सेठ को इतना कहा कि सब कुछ सामान्य है तो फिर तू अपने आप को विशेष क्यों समझता है? जब भी आपको जीवन में लगे आप विशेष हो, आप अलग हो, आप बेहतर हो, आप दूसरों से अच्छे हो, आपके पास दूसरों से ज्यादा है, आपके पास शक्ति ज्यादा है, आपके पास सामर्थ्य ज्यादा है, जब भी आपके मन में ये भाव जगे तब शास्त्रकार भगवान कहते हैं कि 3 सवाल अपने आप से पूछ लेना कि विशेष क्या। तेरे लिए सूर्य चंद्र विशेष है, कोई विशेष नहीं है। तेरे लिए अन्न जल विशेष है, कोई विशेष नहीं है। तेरे लिए मृत्यु की परिभाषाएं विशेष है, कोई विशेष नहीं है। इसलिए समझना कितना भी कुछ पाले तो सामान्य ही रहेगा। आज का आदमी विशेष बनने की कोशिश करता है, मैं कुछ अलग बन जाऊं, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, मैं कुछ अलग सोचूं, मैं कुछ अलग करूं, दूसरों से अलग लगूं, दूसरों से हटके लगूं, दूसरों से मेरा कुछ अलगाव हो जाए, ये सोचता है आदमी। लेकिन शास्त्रकार भगवान कहते हैं कि कितनी संपत्ति कितना धन तुझे व्याप्त हो जाए, तुझे मिल जाए, लेकिन तू विशेष नहीं बन सकता, सामान्य ही। और इसीलिए जब भी आपको मन में लगे कि बहुत पसारा करना है, बहुत फैलावा करना है, बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा करना है, मैं कहता हूं कि पुण्य योग से होता हो कोई बात नहीं, लेकिन ये एम्पायर खड़ा करने के चक्कर में हम हमको भूल जाए, खुद को भूल जाए, खुद से वंचित हो जाए, स्व को भूल जाए, तो समझना कि वो हमारे लिए योग्य नहीं है। और इसीलिए परमात्मा महावीर ने बार बार यही वचन दोहराया, जो सीमित है वह सुखी है, बहुत पसारा मत करो, कर थोड़े की आस। बस जीवन में ये समझ के आगे बढ़ना कि पसारा बहुत नहीं करना, बहुत मर्यादित रहना है, जितने मर्यादित है उतने सुखी है, जितने मर्यादा में है उतने हमारा जीवन सुख रूप चलेगा। प्रेम भक्ति आराधना प्रवचन के अद्भुत संगम से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें गुरु प्रेम मिशन की YouTube चैनल को, और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।